हाय गाइस, वेलकम टू कुक्स विद श्वेता। आज की रेसिपी है भल्ले पापड़ी चाट। तो चलिए उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। दोनों दाल को हम अच्छे से धो लिए हैं, एकदम पानी साफ हो गया है। अब इसे हम ढक करके रख देते हैं 3 से 4 घंटे के लिए। 2 कप मैदा लिए हैं, ये 2 चम्मच अजवाइन है, बेकिंग सोडा है 1/2 चम्मच से भी कम, चुटकी भर नमक है, तीन से चार चम्मच कुकिंग ऑयल है, इसको मोइन करना है जब तक ऐसे ना हो जाए, बॉल टाइप करना बन जाए। मोइन अच्छे से हो गया है, अब हम इसे गूंथ लेते हैं। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा इसमें डालना है। दूध तैयार हो चुका है, अब इसे हम ढक करके 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। दाल को हम धो लिए अच्छे से, एकदम साफ सुथरा। अब हम इसे पीस लेते हैं। दोनों दाल को मिक्स करके ही पीस रहे हैं, इसे चला चला करके ही पीसना है। इसको हमने दरदरा ही पीसा है थोड़ा। अगर आपका दाल पीसते पीसते गर्म होने लगे तो आप इसमें आइस का 1 क्यूब डाल सकते हैं। अब इसे हम फेंट लेते हैं। पहले 1 से 2 मिनट फेंटेंगे, फिर इसमें हम नमक वगैरह थोड़ा मिक्स करेंगे। 1 चम्मच जीरा है और आप अपने स्वाद अनुसार नमक इसमें डालिएगा। चुटकी भर बेकिंग सोडा। अब इसे हम मिक्स करेंगे और हाँ, इसे मिक्स 5 से 6 मिनट तक करना है, जब तक इसमें हवा ना बन जाए। तो हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे कढ़ाई में। ये दही है, ये 400 ग्राम है। अब इसमें हम चीनी मिक्स करेंगे 100 ग्राम के करीब। आपको अपने टेस्ट के हिसाब से करना है, किसी को ज्यादा मीठा पसंद होता है, किसी को कम पसंद होता है। अब इसे हम मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तब तक हम भल्ले को फ्राई कर लेंगे। अब हम भल्ले को फ्राई कर लेते हैं। तेल गर्म हो चुका है, मीडियम फ्लेम पे ही इसे करना है 7 से 8 मिनट तक। अब इसे हम पलट देते हैं। चलिए अब मसाले को हम लोग तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच अजवाइन है, इसमें 3 चम्मच हम जीरा डालेंगे, 1 चम्मच सौंफ है। अब इसे हम हल्का सा ही भूनेंगे। अभी भून चुका है, भले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल करके दूसरे ट्रिप में डाल देंगे।
जो मसाला हम भुने हैं गरम ही इस पे रख देंगे। नमक है 1 चम्मच के करीब, काला नमक 1/2 चम्मच है, और ये काली मिर्च है 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर है 1/2 चम्मच से कम, क्योंकि हमारे बच्चे हैं छोटे तो उनको हम ज्यादा तीखा नहीं खिला सकते। चाट मसाला 2 चम्मच के करीब लेना है, ये सब हम मिक्स कर देंगे इसमें। गरम मसाले के साथ इसलिए मिक्स किए हैं कि ये भी मसाले थोड़े गरम हो जाएं। अब इसे हम पीस लेंगे, दरदरा ही पीसेंगे, बहुत महीन नहीं पीसना है। अब सारे बड़े को हम गुनगुना पानी में डाल देंगे, जिसमें उंगली सहजा, और 10 मिनट के लिए इसे हम इसी में छोड़ देंगे। आटा सेट हो चुका है, अब इसे हम पापड़ी बनाने का हम तैयारी कर लेते हैं। इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे कि एक शेप का मेरा पापड़ी बने। पापड़ी को हम ऐसे बेल करके रख लेंगे। इसे हमने शेप में नहीं बेला है, क्योंकि पापड़ी का टेस्ट तो तभी आता है जब टेढ़ा मेढ़ा रहता है। हमने बेल लिया है, अब इसे हम छेद कर देंगे, क्योंकि ये फूलना नहीं चाहिए। चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं, गोल्डन ब्राउन तक हमने भूना है इसे। ये भी गर्म पानी है, अब उस पानी में से बड़े को निकाल कर इस पानी में हम डालेंगे। अब इसमें हम 1/2 चम्मच हींग पाउडर डाले हैं, नमक है 1 चम्मच के करीब, अब इस बड़े को निचोड़ करके अब इस पानी में हम डाल देंगे। आप देख सकते हैं बड़े में से तेल निकल चुके हैं। अब इसमें हम 5 से 10 मिनट के लिए भिगो के छोड़ देंगे। चलिए अब हम दही भल्ले चाट को अब हम डेकोरेट कर लें। चलिए इस पे हम दही डाल दें। ये मेरी पापड़ी है, आप देख सकते हैं कितना क्रंची है। थोड़ी सी दही में हम चाट मसाला मिक्स कर लिए हैं, हम सारे पापड़ी के ऊपर डालेंगे। हम सब पे चाट मसाला डाल देंगे। अब ये इमली की चटनी है, ये हमने बना लिया है पहले ही, इसका वीडियो हम आपको नहीं दिखाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे इमली की चटनी बनाते हैं। इस पे हम अनार से डेकोरेट कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है,
आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। इसे हम अदरक और रेड चिली से गार्निश कर ले रहे हैं। मेरे भल्ले पापड़ी चाट तैयार हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही टेस्टी बना है। अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करें और एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।